बेइंतहा मोहब्बत करता है, और उसकी दादी और उसकी माँ उससे बहुत. मेन रीजन वॉज कि आप काम करना चाहोगे ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ जो बे. देखिए मैं सच बताऊं तो अगर शिवानी का बस चले तो हम दिन में पांच. प्लीज टेल अस अबाउट योर रोल इन पश्मीना. सो मैं प्ले कर रहा हूँ ऋषि, और मेरा रोल बहुत ही सीधा, एक बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सेल्फलेस कैरेक्टर है बेसिकली ये, जो अपनी दादी और अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और उसकी दादी और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करती है. और फाइनली उसे एक दिन डल के किनारे पश्मीना दिखती है और वो पश्मीना से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है. बेसिक कैरेक्टर ब्रीफ तो इतना ही है अभी फिलहाल, और आप देखेंगे तो आपको और पता चलेगा. How excited were you when you got this role after? बड़े अच्छे लगते हैं. इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे दिल में जब मुझे पता चला मैं सिद्धार्थ सर का शो कर रहा हूँ, सपना मैम का शो कर रहा हूँ, बिकॉज वो वेब बनाते हैं. तो मेन रीज़न वॉज कि आप काम करना चाहोगे ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ जो वेब कर रहे हैं आजकल. हर टीवी एक्टर का सपना है वो वेब जाए, और मेरा भी है. Do you still recall your Ishqbaz days? कोई WhatsApp group है जहाँ आप सब टच में हैं? WhatsApp group है, उसका नाम Ishqbaz है, और बहुत सारे हम एक्टर्स अभी भी मिलते हैं एक तीसरे से, और मैं यूजुअली जाता नहीं हूँ बाहर इसलिए मैं उनकी फोटोज में दिखाई नहीं देता. तो ये ऑडियंस जानना चाहती थी कि मैं क्यों नहीं दिखाई देता हूँ, किसी की शादी हो रही होती है, किसी की एंगेजमेंट हो रही होती है, तो मेन रीज़न यही है मैं नहीं जाता हूँ. पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने साथ टाइम बिताना, शिवानी के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, इसलिए प्यार मोहब्बत बहुत है. Linesh, why are you so choosy about your projects? I mean, you're so good and popular, so आप intensely wait करते हैं. Guys, एक मिनट, ऐसा कुछ guys, ऐसा कुछ नहीं है. मैं choosy नहीं हूँ, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया. लोग ले नहीं रहे, सीधी सी बात ये है. ऐसा कुछ नहीं है choosy, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया. और टाइम लगता है यार, जानता हूँ मैं अच्छा एक्टर हूँ, बट पॉपुलर भी हूँ, बट नहीं लेते कभी कभार, नहीं फिट होते हैं हम. इतनी अच्छी पर्सनालिटी वाले लड़के कम दिखते हैं आजकल टीवी पे, इसलिए नहीं ले रहे होंगे. Till date your favorite role? अभी तक आया नहीं यार, मिला नहीं मुझे. जब मिलेगा टेली चक्कर को सबसे पहले बताऊंगा. ओके, आपके रील्स के बारे में बात करते हैं. कितने मजे से बनाते हो और एक दिन में कितने रील बना लेते हो? देखिए मैं सच बताऊं तो अगर शिवानी का बस चले तो हम दिन में 5 से 6 रील बना ले. लेकिन कभी कभार जब रील वायरल हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है और वो मुझे लीवे दे देती है कि चलो एक दिन में एक ही बनाएंगे. बट मज़ा बहुत आता है. वो एक्चुअल हैं हम दोनों जो हमारी रील्स पे दिखते हैं, हम नकली नहीं हैं, कि मतलब बहुत लोग हैं बट हम नहीं हैं. तो मज़ा आता है बनाने में. एंड जस्ट लास्ट मैसेज फॉर योर फैंस हु आर वेटिंग टू सी. गाइस, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मंदिर के सामने जाइए, दिया चलाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा सा मांगिए. और हमें प्यार देते रहिए, मैं मजाक करता लेकिन मांगना जरूर यार. देखिए अभी तक आपने जितनी भी शूटिंग की है पश्मीना के क्रू मेंबर्स के साथ, डायरेक्टर या आपके को एक्टर वगैरह, तो कैसी बॉन्डिंग रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो हमारे जो डायरेक्टर हैं दीपक सर, उनके साथ ये मेरा तीसरा शो है, और वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं. और उनके छोटे भाई वैभव सर, वो भी बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं. DOP गणेश दा, उनके साथ भी मेरा तीसरा शो है. तो बॉन्डिंग तो बहुत साल पहले ही बन गई थी. प्रोफेशनल लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, इसलिए हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. एक्टर्स, मैंने सारे एक्टर्स के साथ इतना शूट नहीं किया है. पश्मीना के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, निशांत के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हितेन सर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मेरी दादी और मेरी मॉम उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. थैंक यू.